नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज 25 फरवरी है और आज कुछ स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने थे, और जैसे कि इन स्मार्टफोनों की डेट दी गई थी तो आज यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गए हैं, जिनमें से एक है वीवो IQ3। तो इस वीडियो में हम वीवो IQ3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीवो IQ3 को आज इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, और वीवो के जो यूजर्स थे वह बहुत दिनों से इस स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे थे, तो आज उनके इंतजार की घड़ी जो है खत्म हो गई है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में बहुत ही खास फीचर भी दिए गए हैं, और इसका प्राइस जो है वो भी लगभग ज्यादा नहीं है, वह भी कम ही है। तो चलिए दोस्तों, इस स्मार्टफोन के फीचर के बारे में जानते हैं और इसके प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका जो प्राइस है वह कितना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.44 इंच की डिस्प्ले दी गई है, और इस स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल और प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यह स्मार्टफोन कैमरे में बहुत ही बढ़िया होगा। वैसे तो वीवो के सभी स्मार्टफोन कैमरे में बहुत ही बढ़िया होते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन में और भी ज्यादा फीचर दिए गए हैं। और यदि बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के रैम की, तो इसके दोस्तों 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 12 GB प्लस 256 GB, 8 GB प्लस 256 GB और 8 GB प्लस 128 GB। और दोस्तों, यदि बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। आज के समय में बहुत से स्मार्टफोनों में इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, यदि बात करें स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4410 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यदि बात करें स्मार्टफोन की फोटोग्राफी की, तो इसमें आपको कैमरे के साथ बहुत ही बढ़िया फीचर दिए गए हैं, जिससे आप बढ़िया और अच्छी फोटो ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें स्मार्टफोन के नेटवर्क के बारे में, तो इसमें आपको 4G VoLTE और 5G भी चलाने को मिलता है, यानी कि दोस्तों यह स्मार्टफोन 5G है। और दोस्तों, यदि बात करें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो इसका जो 12 GB प्लस 256 GB का जो वेरिएंट है वह आपको 44,990 रुपये का देखने को मिलेगा, और इसका जो 8 GB प्लस 256 GB का वेरिएंट है वह आपको 39,990 रुपये का मिलेगा। और दोस्तों, इसका 8 GB और 128 GB का जो वेरिएंट है वह आपको 36,990 रुपये का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के फीचर और कैमरे को देखते हुए इसका रेट कुछ ज़्यादा नहीं है, तो लेकिन यदि आप यह स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों 3 मार्च से फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन की सेल शुरू होगी, तो वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपके पास कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास हैं, तो उन पर आपको इस स्मार्टफोन पर छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप यह स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो 3 मार्च से फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन की सेल लगेगी, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की लेटेस्ट फोनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।